नमस्कार, मैं प्रेम प्रभाकर और आप देख रहे हैं रफ्तार अड्डा। रफ्तार अड्डा में आज हम बात करेंगे कल शाम को खेले गए मुकाबलों को लेकर। कल शाम को गुजरात और बम्बई के बीच गुजरात में खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात ने बम्बई को 55 रनों से पटकनी दी। इस जीत के साथ ही गुजरात जो है टेबल पे दूसरे नंबर पर काबिज हो गया। वहीं बम्बई की बात करें तो लगातार उसे तीसरी हार मिली है, जिसकी वजह से वो सातवें नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं बात की जाए कल के मुकाबलों की तो रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यह निर्णय रोहित शर्मा को उल्टा पड़ गया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ये गुजरात ने 20 ओवर में 207 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान। शुभमन गिल ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की, 34 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली, 7 चौके और 1 छक्के लगाए। इसके अलावा डेविड मिलर ने भी 46 रन बनाए 22 गेंदों पर, जिनमें 2 चौके 4 छक्के शामिल है। इसके अलावा अभिनव मनोहर ने भी 21 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। राहुल तेवतिया ने लास्ट के 5 गेंदों पर 20 रन जोड़े, जिनमें 3 छक्के शामिल हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो गुजरात की टीम ने कल बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और 200 प्लस का स्कोर जो है बम्बई के सामने रखा। कल फिर बम्बई के गेंदबाजों ने निराश किया। शुरू में तो अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन डेप्थ ओवर में 15 से 20 ओवर में कल फिर से गुजरात बम्बई के गेंदबाजों ने खूब सारे रन लुटाए। 80-90 से ज़्यादा रन उन्होंने लुटाए कल इन 5 ओवरों में। पिछले मुकाबले में हमने देखा था जब बम्बई पंजाब के सामने थी तो 5-6 ओवरों में उन्होंने 100 से ज़्यादा रन दिए थे। कल भी उन्होंने 80-90 रन दिए हैं 5 ओवर में। सो साफ जो है बम्बई की कमजोर गेंदबाजी कल फिर दिखी, जिसकी वजह से सामने वाली टीम जो है 200 प्लस का स्कोर बनाने में कामयाब हो गई। जब बम्बई की टीम जब 208 रन का पीछा करने उतरी तो उसकी शुरुआत खराब रही। रोहित शर्मा मात्र 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे हार्दिक पांड्या का शिकार हो गए। वहीं ईशान किशन भी 13 रन पर राशिद खान के शिकार हो गए। भाई कैमरून ग्रीन थोड़े फॉर्म में जरूर दिखे, लेकिन दूसरे छोर से रन नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से दबाव में वो बड़े शॉट लगाने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। 26 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली, जिनमें 3 छक्के शामिल थे। सूर्यकुमार यादव से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सूर्यकुमार यादव भी वो ज़्यादा कुछ कल कमाल नहीं कर सके। 12 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली, जिनमें 3 चौके और 1 छक्के शामिल थे। निहाल की बात की जाए तो उन्होंने कल बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन अभी मैच को नहीं जिता पाए। 21 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली, जिनमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके अलावा बम्बई का कोई भी बल्लेबाज टैक्टिक के बल्लेबाजी नहीं कर सका। वो बस 20 ओवर में 152 रन ही बना सका 9 विकेट के नुकसान। देखा जाए तो गुजरात, कल भी हमने सामने आपको बताया था कि गुजरात की टीम जो है उसकी बल्लेबाजी भी मजबूत है और गेंदबाजी भी मजबूत है। कल जब 200 रन का टारगेट जब बम्बई जैसी टीम को सामने दिया, जो 5 बार की चैंपियन है, जिसका बल्लेबाजी क्रम बहुत मजबूत है, उस लगा रहा था कि गुजरात शायद बम्बई चेस कर सकती है, उसमें क्षमता है। लेकिन कल गुजरात के गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, खासकर अगर बात किया जाए राशिद खान की और नूर अहमद की, दोनों ने क्या लाजवाब बॉलिंग की। और वो हार्दिक पांड्या की भी कप्तानी की भी दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने गेंदबाजों को बहुत अच्छे से रोटेट किया और पहले ही 10 ओवर के अंदर राशिद और नूर अहमद दोनों को ले आया, क्योंकि उनको पता था कि गुजरात का पिच का मिजाज थोड़ा सा शाम में स्पिनरों के लिए थोड़ा सा मदद मिलती है और थोड़ा सा स्लो हो जाती है। ऐसे में स्पिन को खेलना थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इसीलिए उन्होंने राशिद खान और नूर अहमद को बहुत अच्छे से उपयोग किया और दोनों ने भी कमाल प्रदर्शन किया। जहां राशिद खान ने 2 सफलताएं ली तो वहीं नूर अहमद ने भी 3 विकेट लिए। इसके अलावा मोहित शर्मा लगातार वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, कल भी उन्होंने 2 विकेटें ली, 4 ओवर में 38 रन दिखे। लेकिन मोहम्मद शमी, कल उनको जरूर विकेट नहीं मिला, लेकिन वो एक छोर से प्रेशर बनाते रहे बल्लेबाजों को। वो मात्र 4 ओवर में 18 रन दिए उन्होंने, सफलताएं नहीं मिली, लेकिन दूसरे छोर से उन्होंने बल्लेबाजों पे प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से दूसरे गेंदबाज पे जो है बम्बई की टीम अटैक करने की कोशिश में वो विकेटें गंवाई। इसलिए मोहम्मद शमी का भी रोल बहुत अहम था कल के मुकाबले में। उन्होंने रन रोका और अपने जो गेंदबाजी से ना
उन्होंने दिल जीत लिया। मजा आ जाता है उनकी गेंदबाजी को देख के, लगता है यार मतलब क्या क्लास है इस गेंदबाज के अंदर। वो वही लेंथ देखनी पड़ती, टेस्ट मैच वाली लेंथ के अनुसार वो बॉलिंग करते हैं। कभी भी उनको मैं नहीं देखता हूँ जब स्लोअर डिलीवरी डालते हैं या फिर कटर बॉल का उपयोग करते हैं। वो जो लेंथ है ना, स्पीड 140 142 43 के आसपास, वही सटीक एयरकर, वही हाई आर्म से गेंदबाजी करना, मतलब मज़ा आ जाता है उनकी गेंदबाजी देख के। अब वो लगातार अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, कल जरूर सफलताएँ उनको नहीं मिली, लेकिन अगर बाकी मैचों में पीछे अगर मैचों में देखा जाए तो उन्होंने ज़्यादातर सफलताएँ पावर प्ले में उन्होंने हासिल किया और वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से गुजरात को लगातार जीत मिलती रही है। भाई गुजरात इस जीत के साथ नंबर दो पे पहुंच चुका है टेबल रैंक पे, मतलब कहीं ना कहीं टॉप चार के लिए वो रास्ता क्लियर हो चुका है गुजरात के लिए। तब ये भी क्लियर होते जा रहा है कि धीरे धीरे कि वो टॉप चार की टीमें कौन हो सकती। चेन्नई और गुजरात तो दिख रहा, इसके अलावा आप देखते हैं कि बाकी वो दो टीमें कौन सी होती है, क्या लखनऊ है या फिर बेंगलोर है, ये तो या पंजाब या फिर कोलकाता, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन टॉप टू फिक्स हो चुका है गुजरात, और मुझे लगता है कि चेन्नई दोनों टीमें जो है क्वालिफाई करेगी टॉप फोर में। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।